हे व्हाट्सअप गाइस एंड वेलकम बैक टू माय सुरेश एडिटिंग जून चैनल। तो गाइस मैंने लाइटरूम ऐप को ओपन कर लिया हूँ, ठीक है। एंड यहाँ से इसमें जाऊँगा ऑल फोटोज में, एंड गाइस मैंने मॉडल को पहले से ही ऐड करके रखा हुआ है, ठीक है। और आप लोगों को फेस स्मूथ करना नहीं आता तो उस वीडियो की लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएगा, आप लोग वहाँ से वीडियो वॉच कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने मॉडल का फेस को पहले से स्मूथ करके रखा हुआ है। एंड चलिए हम अपने मॉडल को ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से इसमें सबसे पहले क्लिक करूँगा इस ऑटो वाला टूल में, ठीक है। तो इसमें मैं क्लिक कर लेता हूँ एंड लाइट वाला टूल में जाऊँगा और एक्सपोजर को थोड़ा सा मैं प्लस कर लेता हूँ, ठीक है। एंड इसमें शैडो को भी मतलब प्लस कर लेता हूँ एंड वाइट को भी, ठीक है। एंड यहाँ से इसमें जाऊँगा कलर वाला टूल में एंड मिक्स टूल, और इसमें मैं बढ़ा लूँगा सैचुरेशन को, ठीक है। एंड लिमिट्स को थोड़ा सा एंड ही करूँगा थोड़ा सा माइनस। एंड यहाँ से इसमें जाऊँगा ऑरेंज वाले कलर में, और इसमें मैं लिमिट्स को करूँगा फुल 100 एंड सैचुरेशन करूँगा थोड़ा सा माइनस, ठीक है। और यहाँ से इसमें जाऊँगा येलो कलर में, ठीक है। आ जाने के बाद गाइस इसमें मैं माइनस करूँगा सैचुरेशन को, ठीक है, थोड़ा सा कुछ इतना। एंड लिमिट्स करूँगा थोड़ा सा प्लस। एंड यहाँ से इसमें जाऊँगा ग्रीन कलर में, ठीक है। और इसमें फिर मैं माइनस कर लेता हूँ फुल सैचुरेशन को। एंड लिमिट्स करूँगा फुल प्लस, ठीक है। तो इतना प्लस कर लेता हूँ गाइस। और यहाँ से इसमें जाऊँगा सियान कलर में, ठीक है। एंड इसमें भी मैं माइनस कर लेता हूँ सैचुरेशन को। एंड यहाँ से इसको मैं डन कर लेता हूँ, ठीक है। और गाइस मैं जाऊँगा इफेक्ट वाला टूल में और करूँगा टेक्सचर को माइनस, क्लियरिटी को प्लस, एंड लेयर्स को भी थोड़ा सा कर लेता हूँ प्लस, ठीक है। एंड वेरिएंट का थोड़ा सा कर लेता हूँ माइनस कुछ इतना, ठीक है। एंड यहाँ से इसमें जाऊँगा ट्राइंगल वाले आइकन में और शार्पनिंग को बढ़ा लूँगा थोड़ा सा एंड मास्किंग को भी, ठीक है। एंड यहाँ से इसको मैं डन कर लेता हूँ और इस पिक को मैं सेव कर लेता हूँ इस शेयर वाले बटन में जाकर। एंड यहाँ पर लिखा है सेव टू डिवाइस, ठीक है। एंड गाइस इस पिक को मैं शेयर कर लेता हूँ ऑटोडेस्क स्केच बुक में, ठीक है। तो यहाँ से मैं शेयर में चला जाता हूँ गाइस और यहाँ से इसको ऑटोडेस्क स्केच बुक में शेयर कर लेता हूँ, ठीक है। एंड गाइस जो हमारा मॉडल है गाइस ये ऑटोडेस्क स्केच बुक में ओपन हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ से इसमें जाऊँगा सबसे पहले तो इस सेकंड वाले आइकन में, ठीक है, और यहाँ से इम्पोर्ट इमेज कर लेता हूँ, ठीक है गाइस। तो गाइस हमारा पीएनजी ऐड हो चुका है, ठीक है, मतलब एक तरीके से ये पीएनजी टाइप है, ठीक है। तो इसको मैं एडजस्ट कर लेता हूँ, ठीक है, कुछ अपने अकॉर्डिंग। तो इसको मैं थोड़ा सा इस तरीके से इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है, और इसको मैं थोड़ा सा इस तरीके से इसको एडजस्ट कर लेता हूँ, ठीक है गाइस। तो इसको अपने अकॉर्डिंग कर लेता हूँ एंड यहाँ से इसको मैं डन कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ से इसमें जाऊँगा इस लेयर वाले पैनल में और इसी वाले एक लेयर में मैं एक बार टैप कर लेता हूँ, ठीक है, इस वाले में। और यहाँ से इसकी ब्लेंडिंग मोड को कर लूँगा मैं ओवरले, ठीक है, यहाँ से ओवरले कर लेता हूँ गाइस। एंड ओवरले करने के बाद गाइस इसको इसमें एक बार टैप करूँगा, ठीक है, इसी लेयर में, और इसका डुप्लीकेट क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। एंड गाइस इसका डुप्लीकेट क्रिएट करने के बाद इसी में एक बार मैं टैप करूँगा एंड इसकी ओपासिटी को कर लूँगा थोड़ा सा डाउन, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इतना डाउन ठीक रहेगा। एंड इसको मैं मर्ज कर लेता हूँ, ठीक है गाइस। और यहाँ से इसमें जाऊँगा थर्ड वाले आइकन में, यानी कि इस वाले में, ठीक है। एंड इस वाले ब्रश को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, इस वाले ब्रश को। एंड इसकी सेटिंग को मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। एंड इसकी साइज़ को आप लोग अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, ठीक है। एंड इसके अमाउंट को मैं इतना रख रहा हूँ, ठीक है। एंड यहाँ से इसको मैं कट कर दे रहा हूँ एंड फेस से कुछ इस तरीके से इसको मैं रिमूव कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ से अपने अकॉर्डिंग इसको मैं रिमूव कर लेता हूँ, ठीक है गाइस। तो देख सकते हैं गाइस काफ़ी अच्छा दिख रहा है, ठीक है। एंड थोड़ा सा यहाँ से हेयर के इसको रिमूव कर लेता हूँ गाइस, ठीक है। इस तरीके से करने के बाद गाइस यहाँ से इसको मैं लेयर वाले पैनल में जाकर इसको मैं मर्ज कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मैंने मर्ज कर लिया और एक पीएनजी लाइट को मैं यहाँ से इंपोर्ट इमेज कर लेता हूँ, ठीक है, मतलब सेकंड वाले आइकन में जाऊँगा और यहाँ से इंपोर्ट इमेज और एक पीएनजी वाली लाइट को ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। एंड जैसे जो हमारा पीएनजी वाला लाइट है ये ऐड हो चुका है, तो इसको मैं यहाँ से कुछ इस तरीके से इसको मैं एडजस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ से इसको मैं डन कर लेता हूँ और इसमें जाऊँगा लेयर वाले पैनल में, ठीक है, और इसी लेयर में एक बार मैं टैप कर लेता हूँ एंड यहाँ से इस वाले में जाऊँगा गाइस, ठीक है। एंड गाइस इसकी सैचुरेशन को लूँगा फुल माइनस, ठीक है, एंड इसके लुमिनस को करूँगा मतलब लाइटिंग को करूँगा फुल प्लस। एंड यहाँ से इसको मैं डन कर लेता हूँ, ठीक है। डन करने के बाद गाइस हमें आना होगा फिर से लेयर वाले पैनल में और इसी में एक बार टैप करना है और इसकी ओपेसिटी को करूँगा थोड़ा सा डाउन, ठीक है। और यहाँ से इसको मैं कट कर रहा हूँ एंड इसको यहाँ से मर्ज कर रहा हूँ, ठीक है। तो देख सकते हैं गाइस काफ़ी अच्छा एडिट हुआ हमारा पिक। एंड गाइस इस पिक को सेव करने के लिए हमें जाना होगा इस फर्स्ट वाले आइकन में, यहाँ पे शेयर और यहाँ पे लिखा है सेव टू डिवाइस, ठीक है। तो बाय गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में।